नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं एक नए होम स्टे में, और तुम बताओ कहाँ पर है। तो आज हम जा रहे हैं इन्फिनिटी होम विलेज करके होम स्टे है, बहुत ही सुंदर है, और हमारे वो जानने वाले भी हैं, परिचित हैं, कसिया लेक के पास है उनका होम स्टे, और काफ़ी समय से हम सोचे थे जाने की, तो आज चलिए आपको टूर कराते हैं वहाँ का। चलो, और हमेशा की तरह आपको दिखाते हैं मुक्तेश्वर की पहाड़ियाँ, मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं हमारे, हम हमेशा दिखाते हैं आपको, आपको शायद अच्छा ही लगता होगा, मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर। आज मंदिर दिखाई दे रहा है, वाइट सा बादल ऊपर हैं, खूबसूरत पहाड़ियाँ मुक्तेश्वर की, हरे भरे जंगल। आज का नाशपाती का सीज़न चल रहा है यहाँ, खूब नाशपाती आ रही हैं, बेतारी पौधे भी आए हैं, तो कुछ पौधे लेके आई हैं, निक्के ने बताया कि पौधे भी आए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको रास्ते में। और हमारे घर के सामने बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, आड़ू कुछ लगे हैं अभी, सामने ग्रीन वैली होम स्टे, और सामने बहुत ही सुंदर दृश्य है, बादलों का, बादल लगे हुए हैं पूरे आसमान में, आज बादल हैं। आ गए कसिया लेक में, यहाँ से एक रास्ता सीधे जाएगा मुक्तेश्वर बटेलिया, एक भवाली जाएगा और एक कसिया लेक से नीचे जाता है, तो आज हम वहीं चल रहे हैं इन्फिनिटी होम विलेज में, होम स्टे है। कुछ बोलेंगे चारों की मम्मी, तो आज मुलाकात करनी है उनसे, पहले भी हमारी जान पहचान हुई है, तो अब जा रहे हैं उनके होम स्टे में और देखते हैं कैसा है, फिर आपको भी दिखाते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ये जो रोड आ रही है भवाली से आ रही है, और इधर से आप जा रहे हैं मुक्तेश्वर चले जाएंगे, और यहाँ से मंदिर है भोलेनाथ जी का, श्री नर्मदेश्वर महादेव जी का, यहाँ से हमें सीधे जाना है 5 किलोमीटर, सूपी गांव के लिए रास्ता जाता है जहाँ हम जा रहे हैं, लगभग 5 किलोमीटर। दोस्तों हम आ गए सूपी में, और जो होम स्टे है इन्फिनिटी हिल विलेज नाम से है, और अरे बारिश तेज हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई शुरू, मॉनसून का टाइम है तो बारिश तो होनी है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं इन्फिनिटी हिल विलेज में, जहां हमें आज आना था, बहुत ही सुंदर प्यारा सा बोर्ड लगा है, और ये भैया हैं राकेश जी, नमस्कार है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, बढ़िया। ओके, आप इधर वेलकम है सर, वेलकम। लोग आ गए हैं और बहुत ही सुंदर मौसम, अब चल रहे हैं अंदर इन्फिनिटी हिल विलेज में, आपको दिखाते हैं, घुमाते हैं, टूर कराते हैं आपको, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। आज बारिश हो गई है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है होम स्टे, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा लग रहा है कैंपस इनका, ये शायद बैठने की जगह है। रस अभी थोड़ा बारिश कम हो जाए तो फिर आपको टूर कराते हैं, घुमाते हैं, वैसे तो बहुत सुंदर है कैंपस जो है, नीचे शायद रूम नज़र आ रहे हैं, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट भी लगाए हुए हैं। चलिए आज बारिश में, रिमझिम बारिश, बहुत ही सुंदर लगते हैं पहाड़ मानसून में। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग मानसून में ज़रूर आने का रखें, ऐसा नहीं है कि बारिश में यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं, हालांकि न्यूज़ में ऐसा आता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बारिश में रास्ते खुले रहते हैं, और माउंट हिल विलेज का ओपन एरिया है,
ओ भैया हैं राकेश जी, कैसे हैं जी? नमस्कार। सब बढ़िया हैं? सभी सभी व्यूअर्स को नमस्कार, पूरे पहाड़ी सफारी परिवार को नमस्कार। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये डाइनिंग एरिया है। तो हम लोग आ गए हैं इन्फिनिटी हिल विलेज में, अभी थोड़ा फ्रेंच फ्राई बना है, टेस्ट कर रहे हैं। और ये निको, चारू की मम्मी, और आप शिल्पी और राकेश जी हैं, ऑनर हैं यहाँ होम स्टे के, आप दोनों ही चलाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं इन्फिनिटी हिल विलेज होम स्टे में, और हमारे साथ हैं भैया राकेश जी। तो बताइए, अपने पास कितने रूम हैं जी यहाँ? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, हम सुनकिया में सिचुएटेड है। सुनकिया जगह पर आते हैं। इस विलेज का नाम सुनकिया है, ये कशिया लेक से क्या नाम है अपना 5 किलोमीटर पड़ता है, और मुक्तेश्वर मंदिर से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। और रूम्स हमारे पास, लाइसेंस हमारे पास 4 रूम्स का है, जो हमारे पास जो अपना हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। 5वां रूम जो है वो हमारा ऑनर्स रूम है, उसमें हम, मैं और मेरी वाइफ ही रहते हैं, हम ही रहते हैं। तो यहाँ कितने रूम है? यहाँ पर एक्चुअल में ये 2 BHK विला है जी जी। तो इसमें जो है कि ग्राउंड फ्लोर वाले रूम पर तो हम रहते हैं। अच्छा, और इसमें किचन है, किचन हम यहीं से चलाते हैं। ऊपर वाला एक बेडरूम है जो हम रेंट आउट करते हैं। अच्छा, नीचे आप खुद रहते हैं? नीचे हम खुद रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ऊपर, एक रूम है, बहुत ही सुंदर रूम मुझे लग रहा है। वेंटिलेशन प्रॉपर है, कर्टेन लगे हैं बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही करीने से कह सकते हैं कि आप बहुत ही आर्टिस्टिक वे में फिनिशिंग की हुई है। वुडन रूफ है, वुडन रूफ से एक अलग ही लुक आता है, जैसा आप जानते ही हैं पहाड़ में अच्छा लगता है। वो किंग साइज बेड है, साइड टेबल लगी हैं, वॉशरूम में गीजर लगा है प्रॉपरली, काउंटर है, वॉश बेसिन है, वेस्टर्न कमोड लगी है, और मिक्सचर है गर्म ठंडे पानी के लिए, काफ़ी स्पेसिस वॉशरूम कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए अब आपको नीचे दिखाते हैं जो दूसरा रूम है। ये इसका ओपन एरिया है सर। अच्छा, यहाँ ये ओपन एरिया आ गया, और हमारी निक्कू बैठी है। हेलो निक्कू, कैसे हो? ठीक हो? वाह, झूला झूल रहे हो है, बहुत ही खूबसूरत। आप लोग नेचर का आनंद ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू। जब आप यहाँ आएंगे होम स्टे में, तो आपको यहाँ के फलों का भी खूब आनंद मिलेगा। ये आड़ू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको आगे घुमाते हैं होम स्टे का। रूम जी, ट्रेडिशनल रूम जी, यहाँ से हम आते हैं, वो एंट्रेंस है होम स्टे की, सामने आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियाँ पत्थर की, और एक रूम ये है भैया जी बता रहे हैं, हमने स्टोन का ही बनाया है, ये हमने अपने लिए बनाया था। अच्छा, पहले ना। तो एक रूम ये है जो ट्रेडिशनल रूम मुझे दिखाई दे रहा है, फायर प्लेस है जो पुराना लग रहा है, बहुत ही सुंदर, इसकी फ्लोरिंग भी स्टोन की है सर। ओके, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस घर से। और वॉशरूम भी थोड़ा ट्रेडिशनल लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, काफी स्पेसियस बड़ा है, सभी चीजें हैं जरूरत की जो होनी चाहिए होम स्टे में। तो यहाँ से अब चलिए नेक्स्ट रूम दिखाते हैं आपको, और देखिए फ्लोर ये नेचुरल स्टोन है इसका, ये यहाँ पे पैटियो है, ये इसका प्राइवेट है, मतलब हाँ हर रूम में सबको जो है ना प्राइवेट स्पेस देते हैं, जगह दी हुई है जो बैठना चाहे शाम। हमारा जैसे इसका ही प्राइवेट ही रहे, इधर हमने एक छोटा सा वो डाला हुआ है। अच्छा, ओके ओके, हैमक डाला हुआ है। ऊपर हमारा एक कॉमन एरिया है, ओके, डाइनिंग एरिया था ऊपर हमारा, ऊपर ऊपर किचन भी था। अच्छा, बरसात का टाइम है एक्चुअली, प्लम के पेड़ हैं। वाह, तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको फील होगा जैसे कि आप किसी गार्डन में रह रहे हैं, बगीचों के बीच में रह रहे हैं, हमारा फार्म स्टे कह सकते हैं। तो कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ बताइए। जी जी जी, हमारे पास अराउंड 10 नाली जमीन है, तो हम अपना फार्मिंग भी करते हैं। अच्छा, तो आप इसको होम स्टे कहें या फार्म स्टे कहें, क्योंकि हम एक्सेस हर जगह देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं।
तो जो लोग रुकेंगे उन्हें यहीं की खेती, यहीं की सब्जियां, यहीं की चीजें खाने को मिलेगी। इधर नीचे हरी मिर्च लगा रखी है, आलू निकाले थे, पत्ता गोभी लगा रखी है, बहुत बढ़िया। अपने सब कुछ थोड़ा बहुत जो है खाने की चीजें सब मिलेंगी। रूम से ट्रिपल बेड के साथ, अच्छा फैमिली रूम है। जी जी जी, ट्रिपल बेड। जी जी, इसमें दो एडल्ट दो चाइल्ड या फिर तीन एडल्ट एकोमोडेट हो जाते हैं आराम से। ये 300 स्क्वायर फीट का रूम है। 300 स्क्वायर फीट काफ़ी होता है। तो दोस्तों जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, बहुत ही एंटीक यूनिक फर्नीचर और इसके साथ ही किंग साइज डबल बेड और छत बहुत ही सुंदर लग रही है, ट्रेडिशनल पुराने जमाने में। और इसके साथ ही ये बहुत ही बढ़िया झूला भी है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। वॉशरूम सामने हुआ है दोस्तों, ये वॉशरूम है इस बेडरूम का, ये भी बहुत ही सुंदर। सब चीजें प्रॉपर, गीजर, वॉश बेसिन, शावर, मिक्सर, काफी स्पेसियस है, बहुत ही सुंदर। चलिए अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं। इस रूम का रिव्यू आपको दिखाया, सेम बिल्कुल साइज सब कुछ। ओह तो ट्विन स्टब है, दोनों जैसे रूम है दोस्तों। ये भी बहुत खूबसूरत रूम आपके लिए, अलमीरा लगी है, पंखे की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती पर कभी कभी लगता तो फैन भी लगा है। टीवी लगा है और बैठने के लिए आपको दो चेयर टेबल और झूला भी है आपके लिए। और यहाँ इसका वॉशरूम, और चलिए राकेश जी ने बताया कि लंच लग चुका है, लंच के बाद मिलते हैं आपसे। और खाना लग चुका है, बहुत ही बढ़िया खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही होगी। और इधर चावल से स्टार्ट करते हैं, चावल हैं, तंदूरी रोटी बनी है, दाल मखनी, पनीर लबाबदार, ये रायता, सलाद। और निकू इंतज़ार करिए खाने का, सामने शिल्पी राकेश जी बना रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर आइए इस होम स्टे में, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोग आएंगे तो बिल्कुल घर का इनकी अपनी खेती है, सब्जियाँ, दालें और बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। काफ़ी अच्छा है, ये बना रहे हैं और शिल्पी भी बना रही है, तो अपने हाथ का बना हुआ खाना तो अच्छा ही। बहुत ही बढ़िया खाना दोस्तों, अब हम भी शुरू करते हैं और आपको लास्ट में रिव्यू बताते हैं। अभी तो खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा है। दोस्तों ये हमने आपको दिखाया है इन्फिनिटी हिल विलेज होम स्टे के, सामने मेरे खड़ी हैं शिल्पी ऑनर हैं और राकेश जी हैं इधर। कुछ बताइए होम स्टे के बारे में, कैसे बुकिंग होती है हमारा? एक्चुअली ऑनलाइन भी है, मेक माई ट्रिप पे भी हैं, अगोड़ा वगैरह सब पे हैं, और डायरेक्ट भी अगर आप कॉल्स कर सकते हैं तो नंबर है हमारे इन्फिनिटी जो है हिल विलेज के नाम से, गूगल पेज है हमारा, कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं, तो उस पर भी हमारा फ़ोन नंबर वगैरह है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा और रूम्स तो काफ़ी अच्छे हैं, पुराने टाइम जैसा है, खुशबू अच्छी और फैमिली रूम्स तो आज काफ़ी अच्छे हैं। राकेश जी मुझे बताइए थोड़ा रेट के बारे में भी, थोड़ा सा आइडिया कि हमारे दर्शकों को हो जाए। रेट्स का सर ऐसा है कि जैसे हम जो है कि सीज़न के हिसाब से प्राइस अप डाउन नहीं करते, जैसे लोग कभी रश के हिसाब से प्राइस को बढ़ाते हैं, फिर जब काम नहीं होता तो प्राइस को घटाते हैं। वैसे तो हक बनता है हर किसी का बार्गेन करने का और ये भी समझने का कि भाई अब सीज़न नहीं है, हम ऑफ सीज़न जा रहे हैं तो हमें डेफिनेटली डिस्काउंट मिलना चाहिए। बट लेकिन हम ऑनलाइन उस पर प्राइजेस को चेंजेस नहीं करते, जो लोग हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं तो वो हम केस टू केस उसको प्राइस डिस्काउंटिंग देते हैं कि स्टे कितने दिन का है, फैमिली साइज़ क्या है, इस सब चीज़ों से करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप ये मान के चलें जो डबल बेड का अकोमोडेशन है वो अराउंड जो है कि 2500 के आसपास आता है। साथ में हमारा हम गूगल पर भी अवेलेबल है, अगर इन्फिनिटी हिल विलेज मुक्तेश्वर डालोगे तो गूगल पर हमारी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, आप वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हो। और उसके बाद फिर कॉल करने के बाद फिर क्या होता है कि उसमें डिस्काउंटिंग थोड़ी डेफिनेटली ज़्यादा आती है, क्योंकि ओटीएस के चार्जेस फिर हम जो है कि आपके साथ डिस्काउंट में शेयर कर लेते हैं।
दोस्तों आज हम लोग आए थे सुनकिया कसिया लेक के पास, इन्फिनिटी हिल विलेज में आए थे आपको दिखाने के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल मानसून है, बारिश का टाइम है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक पे कोई असर नहीं पड़ता, बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कभी कभी रिमझिम बारिश होती है, तो रास्ते खुले रहते हैं हमेशा। थोड़ा सा गढ़वाल रीजन में ज़रूर ये देखने में आया कि काफ़ी जगह बंद हो जाते हैं, लेकिन आप लोग घूमने आ सकते हैं, कोई डर नहीं है, कोई रास्ते ब्लॉक नहीं है। तो आज हम आए थे होम स्टे में, बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कुछ बोलना चाह रही चारों की मम्मी? नहीं तो यहाँ पे मतलब काफ़ी जंगल के बीच में ही है और व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ से, और खाना भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया खाना, टेस्टी था की सब्जियाँ हैं और उनका टेस्ट ही अलग है। जो आज हमने यहाँ खाना खाया बहुत ही बढ़िया खाना था, घर जैसा बिल्कुल, क्योंकि घर में ही सब्जियाँ उगाई हैं। कुछ शिल्पी राकेश जी कहना चाहेंगे? आप देखो सर, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि जो होम स्टे होता है जी, हमारी प्रॉपर्टी कोई फाइव स्टार नहीं होती, जिसमें जो हमारा जो पर्सनल टच जो होता है ना, जो हम गेस्ट के साथ जो स्पेशल जो हमारा जो इंटरेक्शन जो होता है ना, बड़ी चीज वही जो है कि इसको मतलब गेस्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस करता है। तो कुकिंग जो है कि मैं और मेरी वाइफ हम खुद मिलकर करते हैं। तो आप मतलब होम स्टे में आएंगे और टेस्ट आपको मतलब जो है कि सारे के सारे मतलब जो है कि हम 200-250 के आसपास रेसिपीज हैं हमारे पास, तो सारी हम जो है कि पूरा कुजीन है ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा सभी बनाते हैं, उसका टेस्ट आपको जो है कि हाइजीन फ्रेश और टेस्टी फूड मिलेगा घर का जैसा। और लास्ट में कुछ कहेंगे चारू की मम्मी? तो ठीक है दोस्तों, आइए मानसून में और यहाँ के खाने का आनंद उठाइए और इस होम स्टे का आनंद उठाइए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।